आइए, सो लेट्स बिगिन आवर AS 7 का सेकेंड क्लास. तो लास्ट क्लास हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 1 किया था, 2 किया था और 3 किया था. ठीक है, आइए. सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ नंबर 4. इज दैट फाइन? हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में. एन अमाउंट ऑफ 9,90,000 वॉज इनकर्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्क अप टू 31 मार्च. सर्टिफिकेट्स हैव बीन रिसीव टू डेट टू द वैल्यू ऑफ 12 लाख. नाउ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर मान लो ये बिल्डिंग बनाना है, कॉन्ट्रैक्टर ने अभी ये काम कर दिया है. नाउ कॉन्ट्रैक्टर बोलता है दैट 60% वर्क हैज बीन डन, से फॉर एग्जांपल. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्क डन, कॉन्ट्रैक्ट इज सपोज टू गिव एडवांस. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मॉडल ही कुछ इस प्रकार है. तो हाउ द कॉन्ट्रैक्ट विल वेरीफाई वेदर द वर्क डन इज 60% और नॉट? तो होता क्या है, आर्किटेक्ट्स को अपॉइंट किया जाता है. राइट? इसका काम क्या रहता है, यह आता है पूरा वेरीफाई करता है एंड सर्टिफाई करेगा. द वर्क डन, राइट? आज कॉन्ट्रैक्टर काम किया, कॉन्ट्रैक्टर तो बोल सकता है कि भैया 80% काम खत्म हो गया है, बिल्डिंग बना दिया, खड़ा कर दिया, अंदर में कुछ काम नहीं किया है. तो ऐसे नहीं होता है. कॉन्ट्रैक्टर अगर बोल रहा है कि 60% वर्क हैज बीन कंप्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट इज सपोज टू गिव एडवांस, तो आर्किटेक्ट अपॉइंट किया जाता है. जाहिर सी बात है ये कॉन्ट्रैक्ट ही करेगा, लेकिन इसका पैसा कॉन्ट्रैक्टर देगा. इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड एक्सपेंस. आर्किटेक्ट का काम है, वो आएगा, सुपरवाइज करेगा कि 60% वर्क हैज बीन कंप्लीटेड ऑन, और अपना सर्टिफाई करेगा, सर्टिफिकेट देगा. राइट? जैसे कंपनी में होता है, कंपनी में पैसा लगाता है, शेयर होल्डर चलाता है, डायरेक्टर्स लोग, तो शेयर होल्डर को अपॉइंट करता है. कौन अपॉइंट करता है? राइट? शेयर होल्डर लोग. शेयर होल्डर लोग किसको अपॉइंट करता है? ऑडिटर्स को अपॉइंट करता है. लेकिन ऑडिटर फीस कौन पेमेंट करता है? कंपनी. तो ऑडिटर वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर एंड एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर शोइंग ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑर नॉट. तो आर्किटेक्ट आर दोज पर्सन हु विल वर्क एज एन ऑडिटर. ए फॉर आर्किटेक्ट, ए फॉर ऑडिटर. दे विल वर्क एज एन ऑडिटर फॉर कॉन्ट्रैक्टी हु विल सर्टिफाई दैट दिस मच परसेंटेज ऑफ वर्क हैज बीन कंप्लीटेड. तो बेसिकली ये 12 लाख वर्क कंप्लीटेड है. क्या है ये? वर्क कंप्लीटेड अगेंस्ट विच 10,80,000 हैज बीन रिसीव्ड. ठीक है, कुछ कुछ काम हो चुका है बट अभी तक सर्टिफाई नहीं हुआ है. काम मैंने कर दिया है, राइट? बट दिस पार्ट ऑफ द वर्क हैज नॉट येट बीन सर्टिफाइड. अभी क्या होता है, जैसे आर्किटेक्ट को अगर बुलाते हैं अपने, तो एकदम एग्जैक्टली 31 मार्च को नहीं बुलाते हैं, 10-15 दिन पहले बुलाएंगे. तो आर्किटेक्ट क्या किया, 15 मार्च तक का काम को अप्रूव कर दिया. तो ये 15 दिन काम नहीं हुआ है, काम तो हुआ है क्योंकि काम अपनी जगह पे हो रहा है. तो ये सब्सिक्वेंट टू आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, ये क्या है, वर्क डन सब्सिक्वेंट टू आर्किटेक्ट्स सर्टिफिकेट. तो इस पार्ट को बोला जाता है वर्क अनसर्टिफाइड.
एक बात मेरे को बताना, वर्क सर्टिफाइड हो चाहे अनसर्टिफाइड हो, दोनों ही काम हो चुका है, फर्क सिर्फ यही है, सर्टिफाइड मतलब अप्रूव्ड बाय द आर्किटेक्ट, अनसर्टिफाइड मतलब नॉट येट अप्रूव्ड, खर्चा दोनों में ही हुआ है, फर्क यह है सर्टिफाइड का कॉन्ट्रैक्टिव पैसा देता है, सर्टिफाइड पार्ट का दोनों में ही खर्चा हुआ है बेटा, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट बाय स्पेंडिंग एडिशनल अमाउंट ऑफ 60,000 द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन अनदर 2 मंथ्स, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 12.5 लाख। इज दैट फाइन? आया ना? अब आइए ध्यान से देखिएगा, तो मीनिंग मैंने आपको बता दिया, तो आपको बोला कंप्यूट अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट ऑफ द प्रॉफिट टू बी टेकन टू पीएल एज पर AS 7। तो सर स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट, क्लियर? तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू विल बी, हाँ मैं सब बता रहा हूं बेटा रुक जाओ, दिस कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू विल बी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 12.5 लाख इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन, लेस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ₹9,90,000, राइट? एक बच्चे का डाउट है, हाँ बच्चा कहता है सर अगर काम 12 लाख का अप्रूव हुआ है, सर्टिफाइड इज 12 लाख, कॉन्ट्रैक्टी 10,80,000 क्यों दिया? कॉन्ट्रैक्टी बेटा क्या होता है, तुम लोग कॉस्टिंग में सीखेगा, रिटेंशन मनी। आज मान लो काम कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन 12 लाख का वर्थ वाला काम हो चुका है, 12 लाख वर्थ, 12 लाख का वर्क हैज बीन डन, तो अगर 12 लाख का काम हो चुका और 12 लाख का, राइट, 12 लाख का काम हो चुका और 12 लाख का अगर पेमेंट मिल जाए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट रिमेनिंग वर्क मे नॉट बी डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर। तो हम क्या किए, आज वो कह रहा है कि 12 लाख का काम हो चुका तो हम उसको पैसा थोड़ा काट के देंगे, दैट इज नोन एज रिटेंशन मनी, इट्स नॉट अ परमानेंट रिडक्शन, इट्स अ टेम्पोररी रिडक्शन, तो ये पैसा वो काट के देगा, राइट? इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर उसका बाकी का काम कंप्लीट करेगा इन ऑर्डर टू गेट दैट ओल्ड मनी, तो इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, दिस रिटेंशन मनी एक्ट एज अ प्रोटेक्शन फॉर कॉन्ट्रैक्टी, ठीक है? अच्छा, सो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 12.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दिया हुआ है तो हमारा आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, तो सबसे पहला
9,90,000 है, अच्छा 990 प्लस 60,000 का फर्दर कॉस्ट आने वाला है, राइट कैलकुलेट करके बताइए। नाइन लाख नाइन्टी डिवाइडेड बाई 10 लाख 94.29%, 2857 आ रहा है तो 29 ले लो। इज दैट फाइन? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है मेरे को। सबको समझ में आ रहा है? आइए तो यहां पे मैं लिखूंगा 94.29%, तो 12.5 लाख इंटू 94.29% कितना आ रहा है? 1178,625, तो 188,625। सर आपने सर्टिफाइड पार्ट और जो वर्क अनसर्टिफाइड है उसका कोई यूज नहीं आया, उसका यहां पर कोई यूज नहीं आया, एक्चुअल में वो अकाउंट्स के हिसाब से उतना रुपए का बिलिंग होगा। समझ में आ रहा है? अपने AS7 के हिसाब से जब आप लोग कॉस्टिंग पढ़ेंगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इट्स वन ऑफ द मेथड हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वहां भी सीखेंगे आप लोग, कॉस्टिंग में भी ये चैप्टर आएगा, तब वहां पे आप लोग देखिएगा वर्क सर्टिफाइड के बेसिस पे वो लोग प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट यहां पे AS7 में प्रॉफिट इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है कि भैया ये हमारा खर्चा हुआ है अभी तक हमारा इतना प्रतिशत काम हो चुका है, उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड अकॉर्डिंगली लेस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट किया तो मेरा आ गया। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड मतलब काम हो चुका है, अनसर्टिफाइड का मतलब भी काम हो चुका है, इसका मतलब भी काम हो चुका है, इसका मतलब भी काम हो चुका है, राइट? फर्क यह है ये सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट है, ये नॉट येट सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट है, इसका बिलिंग होता है एंड इसका बिलिंग बाद में होगा। तो जिस चीज का बिलिंग हो रहा है इसका मतलब अपने इसको सेलिंग प्राइस पे दिखाएंगे और अपने इसको कॉस्ट प्राइस पे दिखाएंगे। मैंने क्या बोला? वर्क सर्टिफाइड काम हो चुका है, वर्क अनसर्टिफाइड ये भी काम हो चुका है, दोनों ही काम हो चुका है, द एंटायर वर्क हैज बीन डन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में ये दोनों पार्ट आएगा, राइट? अच्छा, सर्टिफाइड मतलब इसके बेसिस पे एडवांस मिलेगा तो बिलिंग इस पार्ट का होगा, अनसर्टिफाइड मतलब इसका बिलिंग नहीं होगा, तो जिस पार्ट का बिलिंग होगा उसको अपने सेलिंग प्राइस पे दिखाएंगे और जिस पार्ट का बिलिंग नहीं होगा उसको अपने कॉस्ट प्राइस पे दिखाएंगे। इज दैट फाइन? सब धीरे धीरे समझ में आ गए, एक दो सम अपने करेंगे अपने को समझ में आ जाएगा।
ठीक है। अभी आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में, सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है। आई हैव अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर फॉर 215 करोड़। तो वर्क सर्टिफाइड इज हाउ मच, 100 करोड़। The company found that work is certified for 100 crores and work to be certified is 35 crores. Additional cost दे दिया, मतलब further cost of completion दे दिया। Now इस सब में contract cost अलग से नहीं दिया है। अच्छा, इसका मतलब भी काम हो चुका है, इसका मतलब भी काम हो चुका है। फर्क यह है, ये certified है, ये uncertified है। वर्क सर्टिफाइड का बिलिंग होता है, इसलिए अपन इसको सेलिंग प्राइस पे दिखाते हैं, और अनसर्टिफाइड का अभी तक बिलिंग होगा नहीं क्योंकि इसका पैसा मिलेगा नहीं, तो इसको अपने दिखाएंगे कॉस्ट प्राइस पे। तो पिछला समय अपने को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अलग से दे दिया था, इस सम में नहीं दिया हुआ है, तो इस सम में अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो यही हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई नो दिस इज सर्टिफाइड, दिस इज अनसर्टिफाइड, दोनों ही वर्क डन, दोनों ही वर्क डन मतलब दोनों में खर्चा हुआ है। रियल लाइफ में वर्क सर्टिफाइड वाला जो पार्ट होता है उसको अपने दिखाते हैं सेलिंग प्राइस में, क्योंकि सर्टिफाइड पार्ट का अपने को पैसा मिलेगा, तो इसका बिलिंग कॉन्ट्रैक्ट को सेलिंग प्राइस पे होता है, और अनसर्टिफाइड का पैसा वो देगा नहीं, तो इसको अपने कॉस्ट प्राइस पे दिखाएंगे। तो एक्चुअल में यह गलत है, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड सेलिंग प्राइस पे, तो इसमें जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो अपने को हटाना चाहिए, बट अपने को पता नहीं है इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो अपने को इन दोनों को ऐड करके ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का मतलब क्या, अभी तक कितना खर्चा हुआ है, तो अभी तक जो खर्चा हुआ वो काम हुआ होगा तभी ना वो खर्चा हुआ होगा। अच्छा, मान लो अगर कोई अनयूज्ड मटेरियल है तो क्या वो इमारत खड़ी हुई, नहीं, तो उसको लेते भी नहीं अपने, लेस कर देते ना मटेरियल निकालते वक्त। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मतलब कॉस्ट इनकर्ड, इसका मतलब क्या है, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट फॉर द वर्क डन। मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको रटा नहीं रहा हूं। तो दिस इज ऑल्सो वर्क डन, दिस इज ऑल्सो वर्क डन, तो टोटल वर्क डन। अच्छा, इसका पैसा मिलता है, तो वर्क सर्टिफाइड पार्ट का अपने बिलिंग करते, तो जिस चीज का आप बिलिंग करेंगे तो उसको तो आप सेलिंग प्राइस पे दिखाएंगे ना, और अनसर्टिफाइड का बिलिंग होता नहीं है, तो इस चीज को आप कॉस्ट पे दिखाएंगे। तो एक्चुअल में जब आप इन दोनों को ऐड करके कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बोल रहे हैं तो गलत है, इसमें से आपको क्या हटाना चाहिए, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन वर्क सर्टिफाइड पोर्शन शुड बी एक्सक्लूडेड, बट दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
पता थोड़ी अपने को। तो सब में जितना डाटा रहेगा उतना ही डाटा से अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। इज दैट फाइन एवरीवन? एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम कैन आस्क मी नाउ। तुम्हारे पास अगर और कोई ऑप्शन है तो बेटा तुम बता दो, तुम मेरा छोड़ दो। इफ यू हैव एनी अदर, आपको मीनिंग समझना पड़ेगा। अगर आपको मैंने ये सब चीज नहीं बताया होता पहले तो आप ये चीज नहीं कर पाते। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, क्योंकि हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट निकालने का गुरु मंत्र बताया, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इतना जितना काम हो चुका है माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। और कितना काम हो चुका है, दैट इज कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो उसमें ये सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड का कोई रोल ही नहीं आया। अब मीनिंग तो समझना पड़ेगा, सर्टिफाइड किसको बोलते हैं, अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड वो पार्ट है जिसका अपने बिलिंग करते हैं कस्टमर को। तो जब आप बिलिंग करेंगे तो कॉस्ट पार्ट पे करेंगे कि सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे। एंड जो अनसर्टिफाइड है उसका बिलिंग नहीं होता, तो कॉस्ट प्राइस पे। तो दिस इज वैल्यूड एट सेलिंग पे, दिस इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। क्योंकि अपने को इस समय कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं दिया हुआ है तो अपने इन दोनों को जोड़ लेंगे। लेकिन सर वर्क सर्टिफाइड तो सेलिंग प्राइस पे है, तो इसमें प्रॉफिट पार्ट इंक्लूडेड है, तो प्रॉफिट इंक्लूडेड इन वर्क सर्टिफाइड पोर्शन शुड बी एक्सक्लूडेड, बट आई डोंट नो हाउ मच इज इंक्लूडेड। तो अपने को इसी से सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम प्रेजेंटेशन में सबसे पहला अपने दिखाएंगे नोट नंबर वन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, दैट इज वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। कितना है, 100 crores प्लस डिग्री ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज में निकाल लो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बाय दिस प्लस फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन इज 90, सो 135 बाय 225 इन 200 135 डिवाइडेड बाय 225 इंटू 100 60% आ गया। हाँ ना, इज दैट फाइन एवरीवन? बोलिए, आइए। रुपीज इन करोर, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आएगा 215 इंटू 60% 129 लेस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 135
अमाउंट शुड बी चार्ज टू रेवेन्यू मतलब पीएल, ठीक है। अच्छा तो लॉस आया, तो लॉस में हमेशा हम लोग एस्टिमेटेड वाला चेक कर लेंगे, राइट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, 215 माइनस 225। टेन करोड़ का लॉस है, तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट कितना दिख रहा है? 10 लेस करेंट ईयर में लॉस कितना है? 6, तो बाकी का 4 का क्या बनेगा? प्रोविजन फॉर लॉस। हमेशा जब जब लॉस आएगा हमेशा हम लोग चेक करेंगे, इज दैट फाइन? पहले तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट लॉस निकाल लेना। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट लॉस निकालने के बाद में अपने ये सब चीज देखेंगे, उसके पहले देखना ही नहीं है ये सब चीज। पहले अपने नॉर्मल, हमारा 6 का लॉस है भैया, राइट। नाउ चेक कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। फ्यूचर में हमारा लॉस होने वाला है, ठीक है। तो आप अपने प्रोविजन भी बनाएंगे। तो इन केस इफ आई प्रिपेयर, अगर अपने को बोलता है पीएल एक्सट्रैक्ट बना के दिखाओ, तो टू लॉस टेन करोड़ जाएगा। पीएल डेबिट 10 करोड़। डन, आइए क्वेश्चन 6।
कुछ कुछ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स दिया हुआ है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस दैट शुड बी रिकॉग्नाइज इन द अकाउंट ऑफ द ईयर, ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बार बार प्राइस लिख रहा हूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ए बी सी डी, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू दैट इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज, लेस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट तो मेरे को सभी का पता है, कॉस्ट इनकर टिल डेट 12, 10.9, 2.56, 12.56। अच्छा अभी वर्किंग नोट में अपन को डिग्री ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज निकालने का है, ए का, बी का, सी का, डी का। 12 by 10.9 by 2.5 by 6 by, सबका एस्टिमेटेड टोटल को डिनोमिनेटर में लिखना है। इसका है 12 प्लस फर्दर कॉस्ट, दैट इज 75%। इसका है 10.9 प्लस 3.6, इसका है 2.5, प्लस 88, सिक्स प्लस फोर, 10.9 प्लस 3.6, 14.5, ठीक है। 10.9 डिवाइड बाय 14.5 इन 200, 75.17, 2.5 डिवाइडेड बाय 90.5, 2.76%। अभी सबका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे वर्किंग नोट में, दिस इनटू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 15 इंटू 75, 11.25, 12.5 इंटू 75.17,
9.40, इसका है 87.50 इंटू 2.76, इसका है 10 × 60%, दैट इज 6। 87.5 × 2.76%, 2.42। नो, जैसा डिग्री ऑफ कंप्लीशन उसी हिसाब से सबका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ गया। डन, आइए बैठाइए। 11.25, 9.40, 2.42, 6, इसमें तो 0 आ गया, 0.75, 0.75 लॉस है, इसमें 1.50 का लॉस है। जीरो पॉइंट जीरो एट का लॉस है। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट लॉस आ रहा है तो अपन चेक करेगा, कॉन्ट्रैक्ट लॉस आते ही अपने चेक करेंगे। तो ये हम लोग बनाया नोट वन, ये नोट टू, अभी नोट थ्री, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 15 माइनस एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, एक का लॉस है। बी में आ रहा है 12.5 माइनस 14.5, टू का। सी में आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, और डी में है 10 − 10 0। तो सारा ही केस में आप लोग देखिएगा, एस्टिमेटेड लॉस इज मोर देन करंट लॉस, प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड, राइट। तो ए बी सी टोटल लॉस 1, 2, 3 लेस करंट लॉस 0.75, 1.5, 0.08, तो बाकी बनेगा प्रोविजन फॉर लॉस 0.25.50, 2.92। एकदम सिंपल है, ज्यादा सोचेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा। कंजर्वेटिज्म भी यही बोलता है।
Is that fine? आइए क्वेश्चन नंबर 7। रीड करिए। जस्ट गिव अ रीडिंग। Pinaki and Company, a firm of contractor, obtained a contract for construction of bridges across the river Revati. RTP का क्वेश्चन है ये। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1000 दे दिया। कॉस्ट इनकर टिल डेट है 605। एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट दिया है 495। प्रेजेंटेशन पूछा है। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड 400। प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव 150। इसका मतलब बिलिंग हुआ था 540 का, जिसमें से 400 मिल गया, बाकी 140 रिटेंशन हुआ है। आइए एकदम ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला डिग्री ऑफ कंप्लीशन 605 का हमारा कॉस्ट टिल डेट है। सबसे पहले लिख देंगे ऑल फिगर्स आर इन लैक्स।
55% आ रहा है डिग्री ऑफ कंप्लीशन, अपने को क्या बोला है प्रेजेंटेशन, अच्छा एस्टिमेटेड प्रॉफिट, चलो ठीक है पहले कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 1000 × 55, तो 55 का लॉस हो गया, राइट? लॉस है तो चेक करना बनता है। सीधा प्रोविजन बना दे रहे हैं, हंड्रेड का टोटल लॉस, उसमें 55 लॉस है, तो 45 का मेरा प्रोविजन फॉर लॉस बनेगा। अभी प्रेजेंटेशन मतलब AS 7 के हिसाब से काफी सारा चीज डिस्क्लोज करना पड़ता है हम लोगों को, राइट? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 550 लाख, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 605 लाख, लॉस रिकॉग्नाइज्ड 100 लाख्स, 55 + 45 प्रोग्रेस बिलिंग्स 540 लाख, 400 तो मिला है और 140 है,
रिटेंशन, मतलब हमने आपके लिए क्या किया और आपने मेरे को कितना दे दिया। टू फ्रॉम कुछ भी आ सकता है, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपके लिए ये खर्चा किया प्लस रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट माइनस रिकॉग्नाइज लॉसेस माइनस बिलिंग्स। तो 605 का मैंने आपके लिए खर्चा किया है, 100 तो लॉस है, तो एक्चुअल में काम 505 का हुआ है, लेकिन मैंने आपको 540 का बिलिंग कर दिया, तो 35 नेगेटिव आ रहा है, मतलब 35 इज लाइबिलिटी। मैंने आपके लिए इतना खर्चा किया, उसमें मेरी कमाई ये है, राइट? तो बेसिकली खर्चा किया प्लस कमाई ये है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो कहीं ना कहीं दिस इज वर्क सर्टिफाइड। Is that fine? Question 8.
विश्वकर्मा लिमिटेड अंडरटूक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर 85 लाख. तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 64,99,000. दिस इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑलरेडी स्पेंट. फर्दर कॉस्ट एट 32,01,000. तो दिस इज फर्दर कॉस्ट. एडिशनल प्रोविजन बोला है. बिलिंग 50 लाख का हुआ है. ड्यू टू एंड फ्रॉम कस्टमर कितना ये बताइए. आइए सबसे पहला डिग्री ऑफ कंप्लीशन. कॉस्ट टिल डेट बाई राइट. कॉस्ट टिल डेट कितना है. ₹97 लाख आएगा. ₹67% आ रहा है. राइट. रुपीज इन लैक्स में ही करेंगे. ठीक है पूरा कर लो. ₹85 लाख का 67%. कितना रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. राइट.
85 लाख माइनस राइट तो प्रोविजन फॉर लॉस पूछा है, टोटल लॉस 12 लाख है माइनस 8,04,000, तो 3,96,000 का प्रोविजन बनाना अपन को। क्वेश्चन का डिमांड है अलग से, देखिए बोला है राइट अलग से क्वेश्चन मांगा है, बोला व्हाट इज एडिशनल प्रोविजन आ गया राइट अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट माइनस रिकॉग्नाइज्ड लॉस माइनस राइट बिलिंग 50 लाख का हुआ है पॉजिटिव है मतलब इतना रुपया लेना है और ये अनबिल्ड अमाउंट है 64,99,000 में इतना तो लॉस हो गया है वो आप बियर करेंगे बचा 52,99,000 उसमें 50 लाख का बिलिंग हो चुका है क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग रीड करिए
आइए, तो आप लोगों ने पढ़ लिया है राइट? आइए, तो क्वेश्चन में ध्यान से बताओ कैसे करेंगे, आप बताइए राहुल कैसे करेंगे? बहुत सारा चीज बोला है, प्रॉफिट लॉस पूछा है, अराइव एट कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड आउट ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, वर्क आउट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम एंड लिस्ट डाउन रेलिवेंट डिस्क्लोजर्स। इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दिया नहीं है, WC प्लस WUC, तो 1250 करोड़ प्लस अनसर्टिफाइड मींस पेंडिंग सर्टिफिकेशन। डन। ₹1500 by ₹1750। कितना आ रहा है? 2400 करोड़।
पहले लिख देना ऑल फिगर्स इन क्रोर्स। डन। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पेमेंट रिसीव हुआ 1100। तीन सौ पाइपलाइन में है तो 1500 आपने खर्चा किया, उसमें 850 का आपका लॉस हो गया। तो हिसाब से देखा जाए तो खर्चा किया बट वो लॉस खाते में चला गया, इसका मतलब 650 का काम इफेक्टिव है। बिलिंग हमने 1400 का कर दिया तो 750 मेरे बुक्स में क्या खड़ा हो गया? ध्यान दीजिएगा, आपको आंसर्स लिखना है ना। पहला पार्ट प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड, तो टोटल लॉस
रिकॉग्नाइज्ड है 850 करोड़, वर्क इन प्रोग्रेस में सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड आता है, डन। उसके बाद क्या बोला है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज आउट ऑफ, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में भी यही सब लिखना है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, रिकॉग्नाइज लॉस, प्रोग्रेस बिलिंग्स, रिटेंशन,
क्वेश्चन 10, कपड़धी अंडर टू का कॉन्ट्रैक्ट फॉर 15 लाख ऑन एन अरेंजमेंट दैट 80% ऑफ द वर्क डन एज सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट शुड बी पेड इमीडिएटली. मतलब कॉन्ट्रैक्ट लिया 15 लाख का, जो भी सर्टिफाइड होगा उसका 80% उसको देना पड़ेगा, बाकी 20% रिटेंशन होगा. पहला साल में बोला है 3,60,000 तक का खर्चा हो चुका है, वर्क सर्टिफाइड भी दे दिया और फर्दर कितना खर्चा होगा वो भी बता दिया. सेकेंड ईयर में अमाउंट एक्सपेंडेड दे दिया और कितना खर्चा होगा ये भी बता दिया. थर्ड ईयर में और कितना खर्चा हुआ ये दे दिया और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया. बोलता है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन पीएल ईच ईयर. नाउ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जब भी अपने सम करेंगे ना, अपने क्यूमुलेटिव बेसिस पे करेंगे. क्यूमुलेटिव बेसिस में क्या होता है, ईयर वन का जो प्रॉफिट है वो तो पूरा रिकॉग्नाइज करेंगे, ईयर टू का जो प्रॉफिट आएगा तो वो क्यूमुलेटिव है, तो उसमें से ईयर वन ऑलरेडी जो रिकॉग्नाइज हो चुका हो तो लेस हो जाएगा, बाकी का प्रॉफिट हम लोग ईयर टू में दिखाएंगे. इज दैट फाइन? सो प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज इज इक्वल्स टू क्यूमुलेटिव प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट याद रखिएगा ये चीज. कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ठीक है लेस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, तुम्हारा प्रॉफिट आएगा लेस
सिंपल है। तो हम लोग वन ईयर एट ए टाइम लेंगे, हाउ मच वी विल टेक वन ईयर एट अ टाइम। Is that fine? आइए, तो सबसे पहले अपने ईयर वन का करेंगे। डिग्री ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज ईयर वन कर रहे हैं अपने, कितना खर्चा हो चुका है? राइट, 3,60,000 हो चुका है डिवाइडेड बाय 13,60,000, क्योंकि फर्दर कॉस्ट 10,00,000 है। ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर सेवन परसेंट। राइट, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इक्वल्स टू पंद्रह लाख थ्री लैख
वर्क सर्टिफाइड से कोई मतलब नहीं है, वो तो बिलिंग क्यों है ना, बिलिंग से अपने को क्या मतलब है, अपने को तो भैया प्रॉफिट अपने अक्रूवल बेसिस पे दिखाते हैं, कंजर्वेटिज्म फॉलो रहा है, बिलिंग करते वक्त ये सब नहीं होता है। यही तो भैया धंधा है, काम करो कुछ, बिलिंग करो कुछ और बेसिस पे। एनीवेज तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, प्रॉफिट पिछले साल, यही फर्स्ट ईयर है तो पिछला साल कुछ भी नहीं दिखाया, सीधा हमारा प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज आ जाएगा। सेकेंड ईयर में 475, तो ऑलरेडी 360 का खर्चा हो चुका है प्लस 475, क्यूमुलेटिव बेसिस पे हो रहा है। कितना आएगा ये 360 प्लस 475, 8,35,000 प्लस फर्दर कॉस्ट, तो सेकेंड ईयर में आके और कितना खर्चा करना पड़ेगा। पहले देखो फर्दर कॉस्ट ज्यादा था, अब कॉस्ट इनकर्ड बढ़ गया तो फर्दर कॉस्ट कम हो गया। वन जीरो वन फोर वन फाइव जीरो, ये दोनों साल का मिला के है क्योंकि सारा कैलकुलेशन क्यूमुलेटिव है। दिस इज ऑल्सो क्यूमुलेटिव, तो ये भी क्यूमुलेटिव आया, तो खर्चा भी क्यूमुलेटिव, तो प्रॉफिट भी क्यूमुलेटिव। तो इसमें जो फर्स्ट ईयर अपने जो प्रॉफिट दिखा चुका है उसको माइनस कर देंगे, 179,150 माइनस 37,050, सो 142,100। लास्ट ईयर जब कंप्लीट होता है, दिमाग लगाने का दरकार नहीं है, डीओसी इज ऑलवेज 100%, खाली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट देख लो, 8,35,000 था उसमें लास्ट ईयर का 3,10,000 और जुड़ जाएगा, 1,145, तो ये आ रहा है 355। पिछला दो साल का मिला के 179,150 दिखा चुके हैं,
तो 175,850 लास्ट ईयर में जो कॉस्ट इनकर्ड आएगा तीन साल का क्यूमुलेटिव वही डिनोमिनेटर में आएगा, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फुल 15 लाख माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, गेम ओवर। ठीक है, सो दैट्स कंप्लीट्स आवर एएस, राइट। सो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ न्यू एएस। थैंक यू, स्टे होम, स्टे एडुकेटेड।